साफ पानी पीना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए हम अपने घरों में वाटर फिल्टर लगवाते हैं और इस फिल्टर में पानी साफ करना फिल्टर या कैंडल से होता है और टाइम टू टाइम हमें किट को चेंज करना पड़ता है और जब हमें किट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें कंपनी में फ़ोन लगाना पड़ता है और फिर कैंडल की कीमत के साथ साथ हमें सर्विस चार्जेस भी देने पड़ते हैं। लेकिन वाटर फिल्टर की किट को चेंज करना घर पर बहुत आसान है। आज के इस वीडियो में मैं प्योरइट वाटर प्योरीफायर की किट चेंज करने का मेथड शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि ये इंस्टॉलेशन डेमो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। प्योरइट के प्योरीफायर में इस तरह से बैटरी लाइफ इंडिकेटर लगा होता है, तो आप देख सकते हैं कि जब हम नया प्योरीफायर लेकर आते हैं तो इस तरह से पूरा सफ़ेद होता है, तो इसका मतलब होता है कि पानी हमें साफ मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये रंग चेंज होता है। जैसे जैसे हम इसमें से पानी यूज करते हैं तो इसका कलर रेड होने लगता है। जब इस तरह से रेड निशान आने लगे तो हमें नई बैटरी किट ले आनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंडिकेशन है जिससे हमें पता चलता है कि बैटरी की लाइफ खत्म होने वाली है और इसे चेंज करने का टाइम आ गया है। और इस तरह से पूरा रेड होने पर प्यूरीफायर ने काम करना बंद कर दिया है, तो अभी हम किट को चेंज करेंगे। और अगर आप बैटरी किट को चेंज किए बिना इसमें पानी डालेंगे तो पानी कुछ इस तरह से लीक होने लगेगा। जैसे ही हम ऊपर के चैम्बर में पानी डालेंगे तो वो पानी बाहर इस तरह से लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, प्यूरीफायर की किट को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले प्यूरीफायर को खाली करना पड़ेगा। तो ऊपर जितना भी पानी है उसको मैं एक बकेट में डाल लूँगी, क्योंकि पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। इस पानी को हम कहीं भी गमलों में यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी अपनी क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फिल्टर को पूरी तरह से खाली कर लेंगे, इसमें जितना भी पानी है सारा निकाल लेंगे। प्योरइट प्यूरीफायर की किट को चेंज करने से पहले फिल्टर को खाली जरूर करें। नीचे के चैम्बर में भी काफी पानी होता है, तो आप पूरा पानी निकाल लें। तो ये है जर्मकिल बैटरी किट, जो मैंने मार्केट से परचेज की है और मार्केट में इजिली मिल जाती है। और ये मैंने 3000 लीटर वाली ली है, तो मार्केट में 1500 लीटर वाली भी आती है, आप अपने जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो अभी इस बॉक्स को खोलेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें से कौन कौन से पार्ट्स निकलेंगे जिन्हें हम चेंज करेंगे। तो जर्मी किल बैटरी किट को हम घर पर आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो एक इसमें से निकला है कार्बन ट्रैप, इसको कार्बन ट्रैप बोलते हैं। और एक ये बैटरी लाइफ इंडिकेटर है जो मैंने आपको दिखाया था, जो रेड हो जाता है तो ये इस तरह से नया वाइट होता है, तो ये पूरा वाइट होता है। जैसे ये इसकी लाइफ खत्म होगी तो ये रेड हो जाएगा। और तीसरा एक और है इसमें, ये पॉलिशर बोलते हैं इसको। तो ये तीनों चीजें हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाले चैम्बर में आप देखेंगे कि इस तरह से एक नट लगा है, तो उस नट को हम खोल लेंगे और उससे ये नीचे वाला चैम्बर हम बाहर निकाल लेंगे। और फिर हम सबसे पहले पॉलिशर को चेंज करेंगे। और अब इस पॉलिशर को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये खुल जाएगा और हम पॉलिशर को बाहर निकाल लेंगे। और अब इसके ऊपर भी एक नट लगा है, उसे भी निकाल लेंगे। और अब हम पुराना पॉलिशर निकाल देंगे और नया वाला इसमें फिट कर देंगे। तो नए वाले को एक बार साफ कपड़े से पोंछ लेंगे।
पॉलिशर के दोनों तरफ लिखा हुआ है कि कौन सी साइड को ऊपर रखना है और कौन सी साइड नीचे रखनी है। किट चेंज करने से पहले मैंने सारे फिल्टर को अच्छे से धो लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिशर को चेंज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि दिस साइड डाउन है, तो हम इस पे नट वैसे ही लगा देंगे जैसे हमने इसे खोला था, और फिर नट वाली साइड हम नीचे की ओर करके लगा देंगे, इसे फिट कर देंगे। और इस पर इस तरह से एरो बने हुए हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें इसे किस तरफ घुमाकर बंद करना है। पॉलिशर को चेंज करने के बाद हम इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट चैम्बर रखेंगे, तो मैंने उसको भी अच्छे से पोंछ लिया है, तो इसको इसके ऊपर फिट करेंगे। और फिर जैसे हमने इसका पहले नट निकाला था वही नट हम इसमें फिर से फिट करेंगे और इसे अच्छे से बंद कर देंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। तो अभी दूसरे चैम्बर में हम कार्बन ट्रैप को चेंज करेंगे, तो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर हम खोल लेंगे और फिर इसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर लगा है उसे उतार देंगे। तो अभी पुराने कार्बन को साइड में रखेंगे और नया वाला लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि पुराने वाला जो हमने निकाला है वो कुछ इस तरह से खराब हो चुका है। नए कार्बन ट्रैप के ऊपर प्लास्टिक का कवर फिट करेंगे। फिर इसे क्लॉकवाइज घुमाकर हम इसे फिट कर देंगे। इसे भी साइड में रखते हैं। और अब हम बैटरी लाइफ इंडिकेटर को चेंज करेंगे, तो इसके लिए ये व्हाइट कलर का जो बटन है उसे थोड़ा सा प्रेस करके हम इसे खोल लेंगे और फिर पुराने बैटरी इंडिकेटर को निकाल देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पुराना बैटरी लाइफ इंडिकेटर है जो पूरा रेड हो चुका है और जो नया है वो बिल्कुल वाइट है। तो अभी पुराने को हम साइड में रखते हैं और नया वाला लगाएंगे। तो इसे लगाना बहुत ही आसान है, तो दो होल बने हुए हैं उसी में इसको फिट करना है, तो हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसे फिट कर देंगे। और फिर इसके ऊपर इंडिकेटर कवर है जो, उसे तो ऊपर से फिर से लगा देंगे। तो अभी हमने तीनों पार्ट चेंज कर लिए हैं, तो अब हम इसे असेंबल करेंगे। तो ये तीनों पार्ट हमने चेंज किए हैं, एक बैटरी लाइफ इंडिकेटर और दूसरा कार्बन ट्रैप और तीसरा हमने पॉलिशर को चेंज किया है जो नीचे वाले चैम्बर में था। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट वाला चैम्बर रखेंगे और फिर इसके ऊपर बैटरी लाइफ इंडिकेटर वाला पार्ट आएगा, उसे इसके ऊपर सेट कर देंगे और फिर इसके ऊपर दूसरा चैम्बर रखेंगे कार्बन ट्रैप वाला, उसे भी इसके ऊपर लगा देंगे और फिर इसके ऊपर जो इसका ढक्कन है वो लगाएंगे और उसके अंदर जो मैश है उसमें पानी डालेंगे। ऊपर वाले चैम्बर को पानी से भर दिया है, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे ताकि नीचे वाले चैम्बर में पानी आ जाए। पानी सबसे पहले नीचे बेस में जाएगा
और बैटरी किट को चेंज करने के बाद जो पहला पानी होता है वो यूज़ करने लायक नहीं होता, तो उस पानी को हमें निकालना पड़ेगा और फिर से दोबारा से भरना पड़ेगा। नीचे वाले चैम्बर में पानी स्टोर होना स्टार्ट हो गया है। किट चेंज करने के बाद पहले पानी को गिरा दें और फिर से नया पानी भरकर यूज करें। प्योरइट वाटर प्यूरिफायर की किट को घर पर ही चेंज करने का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल मोनिकाज़ DIY को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी।